कुर्सी है दया की और दूसरी है न्याय की। इन दोनों कुर्सी पर मेरे प्रभु विराजते हैं। न्याय सबके लिए प्रभु करते ही है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनके अंदर दया का भाव होता है, ऐसे भक्त के लिए भगवान अपने न्याय की कुर्सी से उठ करके अपने भक्त के प्रभु दया है। उनके भगवान का दयापूर्ण कृपापूर्ण न्याय रहता है। उठ जाते हैं भगवान न्याय की कुर्सी से और दया की कुर्सी पर बैठ करके उस भक्त के दयापूर्ण न्याय प्रभु करते हैं। तो दया धर्म है। संतुष्टि मन में आना, क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। यदि हमारे मन में संतुष्टि नहीं है तो हमारे कर्म से अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितना मिले पहले उसमें व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, प्रेम से कहीं शेयर करता है। क्योंकि यदि हम मन में संतुष्ट नहीं होंगे तो जो हमारे पास है उसका भी लाभ है, लेकिन परम धर्म क्या है, परम आश्रय जीव का क्या है, जो कि इस मंत्र में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। धर्म के त्याग की बात नहीं है, धर्म का पालन तो करना ही पड़ेगा। अपने धर्म पर भगवान ने कहा है, स्वधर्म लेकिन पर धर्म है भी तो सकता है, अपने धर्म पर गिरना नहीं है। अपने धर्म वैदिक वैदिक आज का नहीं है, सनातन का अर्थ कोई कल का बना हुआ नहीं है। ये सनातन माने जो पूर्व से है, जो सनातन है, ये कभी मिटने वाला नहीं है। लोग आएंगे, पालन करना है, अपने धर्म में हमें जीना सीखना है और दूसरी के धर्म का हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्म में हमें टिके रहना है। जब मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। आज जब गोपियों ने भगवान को कहा कि वैवं विभोर तु भवान् दैवं न शंसं संतज्य सर्वविषयान् समपादावलम्बनम्, जब ये कहा कि भगवान आपने हमें बुलाया और आप अब कहते हो कि लौट जाओ, ये कैसे जाओ, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही। मैमम विभोर हरि भगवान गदितुम नशंसम संतज्य सर्व विषयान, एक है त्यक्त्वा और दूसरा है
संतत्य सर्व विषयान, दोनों में थोड़ा फर्क है। त्यक्त्वा गोपियों ने नहीं कहा संतत्य सर्व विषयान, गोपियां कहती हैं कि हम अंदर से और बाहर से दोनों से विषय मुक्त हो चुके हैं। कभी कभी व्यक्ति दिखता है बाहर से विषय मुक्त, लेकिन अंदर उसके विषय भरा होता है। त्यक्त्वा यदि कहते गोपियां बाहर से भी विषय मुक्त हुई है, लेकिन गोपियां कहती हैं भागवत में भगवान कृष्ण को कि हम वासना के लक्ष्मण सैनी गांव बोलेगा के उनके शादी जहाँ गई भी हो उनके भजन संध्या पांडाल के सामने चंद्रे रूप कर आप इसको दर्शन दें और मैं भी बहुत थक गई। हम मुझे कहाँ लिए जा रहे हैं भगवान जी का आशीर्वाद हो जाए हमारे कंधे पर बैठे। राधा रानी जब उस चबूतरे पर मिट्टी के खड़ी हुई जिनको मान हो गया तो भगवान नीचे की ओर झुके। हेलो हाँ मैं भाई साहब बालाजी दुकान भाई साहब कल क्यों है ठीक जान कोई बतायो तो जान खाई अपन मंदिर का कई बताई
अमरूद के साथ मीडिया का स्वागत।